अब देखिए ये क्या है मालूम है, आप जानते हैं क्या बोलते हैं इसको? नालेन मुबारक। नालेन मुबारक नहीं बोलते, नालेन का अक्स बोलते हैं। नालेन का अक्स बोलते हैं। नालेन का अक्स बोलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम नालेन पहनते थे, तो ये लोग कहते हैं ये उसका अक्स है, ठीक है। अच्छा पहली बात इसमें देखिए, इसमें कितना कितना नक्श है, एक डिजाइन है, एक डिजाइन नहीं है, एक डिजाइन है। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नालेन का कितना डिजाइन था, कितना अक्स था? ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, कौन सा नहीं मालूम। तो सबसे पहली बात, क्या नबी अलैहिस्सलाम का नालेन का वजूद दुनिया में है? नहीं है। अगर कोई कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालेन दुनिया में है, तो साबित करे। कैसे साबित करे? कि आज तक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालेन पहुंचा, किसके जरिए पहुंचा? जैसे बुखारी शरीफ में हदीस आती है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के हद्दसना अन फलान, हमसे फलाँ ने बताया, हमको फलाँ ने बताया, उनको फलाँ ने बताया, उनको फलाँ ने बताया, उनको फलाँ ने बताया, अबू बकर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बताया, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, फिर क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से। यानी सनद के साथ जब कोई बात हमको मिलती है तो हम कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। तो इस तरह से इसकी सनद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले की, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ को दिया, अबू बकर सिद्दीक़ ने उमर फारूक को दिया, उमर फारूक ने उस्मान गनी को दिया, उस्मान गनी ने अली को दिया, अली ने हसन को दिया, फिर हुसैन को दिया, फिर अमीर मुआविया को दिया, फिर उसके बाद ऐसे चलते चलते इमाम हनीफा को दिया, इमाम बुखारी को दिया। आज तक ऐसी कोई सनद है कोई नहीं। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन का कोई वजूद है ही नहीं। और अगर कोई कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालेन है, झूठ बोलता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन कदब अलैहि मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन्नार। जो कोई आदमी किसी चीज़ की निस्बत करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और झूठा है, वो जहन्नम में जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन का वजूद दुनिया में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन को अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सीने से लगाते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन को सहाबा सर पर रखते थे? ऐसा कोई सबूत मिलता है? नहीं मिलता। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालेन नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालेन सहाबे कराम ने सीने सर पर नहीं लगाया, तो ये झूठा अक्स, झूठा अक्स है। बाद लोग सीने पे लगाते हैं, बाद लोग इसको सर पे लगाते हैं, बाद लोग अपने अमामा में लगाते हैं और कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन पे अक्स है। झूठ है, ये गलत है। बल्कि यहाँ तक कि इसकी फजीलत बताते हैं, कोई आदमी नालेन अपने पास रखेगा तो घर में बरकत आएगी, घर की परेशानी दूर होगी, उसके कारोबार में फायदा होगा, उसका कारोबार आगे बढ़ेगा। तो इससे चीज़ें गलत है भाई, ये सब इस्लाम नहीं, ये सब दीन नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कि मेरे नालेन को सर पे रखो या सीने से लगाओ, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया हो मेरे नालेन का अक्स बना करके सीने और पर लगाओ और अपने अमामे पे लगाओ, इस तरह की कोई चीज़ नहीं, ये दीन इस्लाम नहीं। इसलिए सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, सब झूठ है, फराड है। हकीकत में कारोबारी बिजनेस करने वाले लोग ये बनाते हैं, बेचते हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। इसका दुनियावी एतबार से ताल्लुक है, दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं। दुनियावी एतबार इसको बनाकर बेचकर पैसे कमा रहे हैं, और अगर इसको दीन समझता है तो गुनाह करता है। इसलिए कि ये दीन नहीं है, ये अक्स है, हकीकत नहीं है, समझ लो मेरे भाई। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, इसके लिए चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अमिल अमलन लैस अमली अलैहि अमरुन फहुव रद्द। किसी ने कोई ऐसा अमल किया मेरा उस पर हुक्म नहीं है, वो रिजेक्ट है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि मेरे नालेन का अक्स बना करके सीने पे लग सजाओ या अपने अमामे पे सजाओ। ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैस मिन्हु फहुव रद्द। किसी ने दीन में कोई ऐसी चीज़ ईजाद की जिसका हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया, वो रिजेक्ट है, मर्दूद है वो। बुखारी मुस्लिम हदीस है। तो इसलिए सब चीज़ों से बचना चाहिए, उम्मत को परहेज करना चाहिए, वो करना चाहिए जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है और जिसके करने की तालीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, जिसको सहाबे किराम ने किया है, और वो सिलसिला आज तक चला आ रहा है। क्या अबू बकर इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में इस तरह की चीज़ थी? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में इस तरह का वजूद था? बिल्कुल। इसी तरीके से ताबेई तबे ताबेईन के ज़माने में इस तरह की कोई चीज़ पाई गई? कहीं कोई हदीस की किताब में, फिक्र की किताब में कोई दिखाएगा? आजकल की किताबों में लोग लिखते हैं और इसको फैलाते हैं, जबकि इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। इससे परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए मेरे को। अल्लाह ताला मुसलमानों को सही इस्लाम और सही दीन।